विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय का वार्षिक खेल पुरस्कार वितरण समारोह के अंतर्गत विजयी खिलाड़ियों को महाविद्यालय के दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार में पुरस्कृत किया गया। इस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि क्षेत्रीय क्रीडा अधिकारी आलय हैदर ने खिलाड़ियों में स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र का वितरण करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। बता दें कि आयोजन के तहत कुल 88 खिलाड़ियों को मेडल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि पूर्व प्राचार्य डॉ. शैलेंद्र प्रताप सिंह, डॉ. नीतीश शुक्ला, क्रीडा सचिव अवधीश कुमार शुक्ला सहित बड़ी संख्या में महाविद्यालय के शिक्षक व छात्र मौजूद रहे। किनारे खड़े हो जाएं, एक बार रूटीन वो करवा लेंगे तब जाएंगे। संदीप सिंह, चंदन यादव, आनंद निषाद, श्यामानंद यादव, मोटेलाल यादव, आशुतोष सिंह, इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए प्राचार्य प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह ने बताया, पिछले महीने में 24-25 को महाविद्यालय का वार्षिक क्रीड़ा उत्सव हुआ था, तो उसमें तमाम प्रतिस्पर्धाएं हुई थी और उसमें विजेता तय हो गए थे, लेकिन पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम उस दिन नहीं हो पाया था। आज उन सभी विजेता प्रतिभागियों के पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम है, और इतना ही नहीं, जो महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का जो संस्थापक सप्ताह समारोह के निमित्त जो क्रीड़ा प्रतिस्पर्धाएं होती हैं, उसके भी जो विजेता रहे हैं उनको भी, और महाविद्यालय का जो ओवरऑल चैंपियन छात्र और छात्रा खिलाड़ी हैं उनको भी पुरस्कृत करने की आज योजना है। एक समारोह पूर्वक ये कार्यक्रम होना है। आज के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी श्री आले हैदर जी हमारे बीच रहेंगे। उनका प्रोत्साहन और मार्गदर्शन विद्यार्थियों को, खिलाड़ियों को प्राप्त होगा। महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर शैलेंद्र सिंह जी आज विशिष्ट अतिथि के रूप